और फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्राइसिंग का। ये जैसे हमारे पास थर्ड ऑप्शन है पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग। अब जब हम ये सब कुछ फिल आउट कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट। अब ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन के लिए ये आया था, वहां से ओपन नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसको पब्लिश नहीं किया अभी, वहां से सेव एंड कंटिन्यू और बाकी चीजें उसकी फिल आउट नहीं की हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा टेरिटरीज, यानी कि ये वो चीजें होंगी जिन एरियाज में आप अपनी बुक को सेल करना चाहते हैं, यानी कि कुछ बुक्स होती हैं आप उनको चाहते हैं कि सिर्फ US में सेल हो या UK में सेल हो, अगर आप वो चाहते हैं तो यहाँ इंडिविजुअल टेरिटरीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड हो तो ऑल टेरिटरीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेम प्राइसिंग एंड रॉयल्टी आती है, यहाँ पे आप जो प्राइस ये जो Amazon.com है यहाँ पे आप जो भी प्राइस एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग बाकी सब मार्केट प्लेसेस पे वो ऑटोमेटिकली उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। और इन सब कुछ के बाद यहाँ पे सिर्फ 7 मार्केट प्लेसेस हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन होगा नीचे, वहां से आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी कि आपने क्या क्या चीजें फिल आउट करनी है, कैसे फिल आउट करनी है, कहाँ से फिल आउट करनी है। इसमें बेसिकली सबसे एक बेस्ट फीचर ये है कि आप बुक कवर को फ्री बना सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि बिफोर पब्लिशिंग सबसे अच्छा फीचर बुक कवर का है कि हम वहाँ पे फ्री बुक कवर बना सकते हैं बगैर किसी को हायर किए और इन सारी चीजों के बगैर, हमारे एडिटिंग का एक्सपीरियंस हुए बगैर। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास प्रीव्यू का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम वहाँ पे बुक पब्लिश करने से पहले इस चीज को देख सकते हैं कि किसी चीज के एडिटिंग की जरूरत है कि नहीं है, और सारी डिटेल्स के इसको अमेजोन अलाउ करता है नहीं करता, हमारी कोई चीज ब्लीड से बाहर है नहीं है, हमारी बुक बेसिकली लगेगी कैसे, इन सारी चीजों को हम माइंड में रख के उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सारी चीजें थी जिनको हम यूज करके अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रेट आ जाता है, प्रिंटिंग आ जाती है, रॉयल्टी आ जाती है कि आपको कितनी रॉयल्टी मिलेगी और ये सारा कुछ, और फिर हम यहाँ से उसको पब्लिश करके अपनी बुक को देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 72 आवर्स जो है वो बेसिकली लगते हैं आपकी बुक को जब आप पब्लिश कर देते हैं, तो 72 आवर्स लगते हैं उसको रिव्यू होते हुए अमेजोन की तरफ से। अगर आपकी बुक अप्रूव हो जाती है, अगर रिजेक्ट होती है तो आपको मेल कर देते हैं कि इसमें ये इश्यूज हैं, फिर आप उसको सॉल्व करके उसको दोबारा से अपलोड कर दें, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं। लेकिन अगर आपकी बुक अप्रूव हो जाती है बगैर किसी मसले के, तो फिर आप पेज क्रिएट हो जाता है आपको, बुक पेज जिसको कहते हैं, अमेजोन का ऑथर पेज जिसको कहते हैं, वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपकी बुक फौरन ही अवेलेबल नहीं होती परचेज के लिए, इट टेक्स सम टाइम, और फिर आपकी बुक को 1 वीक लगता है लुक इनसाइड आते हुए। लुक इनसाइड में आता है कि आपका बैक कवर, आपका फ्रंट कवर और आपके इंटीरियर के कुछ पेजेस शो होते हैं ताकि लोग उसको देख के बाय कर सके। तो बेसिकली ये कुछ चीजें थी जो आपको हेल्प आउट करेंगी अमेजोन की बुक को अपलोड करने से लेके उसका कवर बनाने में, उसका इंटीरियर बनाने में और उसको पब्लिश करने में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।